ऑलराइट, तो आज हम बात करेंगे कि क्या कोई कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट में एडमिसिबल होती है या नहीं। यानी कि अगर आप कोई किसी की कॉल रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग बनाते हैं, वो कितने परसेंट कोर्ट में एक्सेप्ट की जाती है, यानी कि उसके बिहाफ पे आप कितने परसेंट केस को जीत सकते हैं, क्या वो एक्सेप्ट की जाती है या नहीं। सो इन दिस वीडियो वी विल ब्रेक डाउन दिस कन्फ्यूजन। सो लेट्स स्टार्ट इट। सर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, बिल्कुल कोर्ट में वीडियो रिकॉर्डिंग हो या कोई भी ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, वो बिल्कुल एडमिसिबल है, यानी कि वो एक्सेप्ट की जाती है। ये तो हो गई जनरल बातें, लेकिन अब हमें इस चीज़ का प्रोसीजर और प्रोविजंस कहाँ मिलते हैं। तो इस चीज़ के हमें प्रोविजंस मिलते हैं द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। बट इट, तो इस एक्ट में हमें एक सेक्शन है, सेक्शन 65B ऑफ दिस एक्ट, यानी कि वो बताता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है या कोई भी जो एविडेंस है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की फॉर्म में है, तो वो बिल्कुल एडमिसिबल है कोर्ट में। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार कोर्ट उसको एडमिसिबल ही करे। तो इसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती है, यानी कि अगर कोई कोर्ट में आप कॉल रिकॉर्डिंग पेश करते हो किसी पर्सन की या फिर किसी सबूत से रिलेटेड या किसी केस से रिलेटेड, तो उस चीज़ में कोर्ट कुछ बातें कंसिडर करता है, तब जाके उसको वो एडमिसिबल करता है। गॉट इट। तो क्या क्या चीज़ वो कंसिडर करता है, तो सबसे पहली चीज़ है वो टाइम पीरियड देखता है, यानी कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, सरल शब्दों में कहें तो जो आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वो कितने टाइम पुरानी है। गॉट इट। फिर देखता है कि वो उस चीज़ से रिलेटेड है या नहीं। गॉट इट। सपोज आपका कोई केस चल रहा है मर्डर का, लेकिन जो रिकॉर्डिंग पड़ी है आपके पास वो किसी और ही चीज़ की है। गॉट इट। तो वो रिलेवेंट चीज़ देखेगा, यानी कि उस केस से मिलती भी है या नहीं, अगर मिलती है तो उसको कंसिडर करेगा, अदरवाइज नॉट। गॉट इट। फिर देखेगा कि वो किस फॉर्म में रखी गई हैं, यानी कि आजकल आपको पता है कि एडिटिंग काफ़ी लोग सीखते हैं या फिर करते हैं, यानी कि हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसके साथ हम छेड़छाड़ कर सकते हैं ईजीली, यानी कि कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग है या वीडियो रिकॉर्डिंग है तो उसको हम आसानी से छेड़ सकते हैं, उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो कोर्ट ये चीज़ कंसिडर करेगी कि उस चीज़ के साथ कुछ हुआ तो नहीं है, यानी कि वो जैसी थी वैसी ही है या कुछ के साथ कुछ हुआ है। गॉट इट। फिर कोर्ट देखेगा कि रिलेवेंट चीज़ें देखेगी, यानी कि रिलेवेंट जो बिल्कुल स्पष्ट हो, ये नहीं है कि मैटर कुछ है और उसमें कुछ एक दो वर्ड ही बोले हैं या फिर कोई भी ऑडियो रिकॉर्डिंग में एक दो वर्ड मिल रहे हैं तो रिकॉर्डिंग पेश कर दी। वो रिलेवेंट चीज़ें देखेगा, यानी कि बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। गॉट इट। सो नेक्स्ट चीज़ देखेगा कोर्ट की वो चीज़ है जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो जेन्युइन है या नहीं, यानी कि वो कोई कॉपी तो नहीं है, किसी ने कुछ करके उसे कुछ बनाया तो नहीं है, तो वो जेन्युइन देखेगी, यानी कि कितने परसेंट इसमें सच्चाई है। इट इज़ क्लियर नाउ। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो कॉल रिकॉर्डिंग्स होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं वो कोर्ट में एडमिसिबल होता है, यानी कि आप इस बेस पे किसी को भी कोर्ट में ला सकते हो, अपनी बात रख सकते हो और किसी पर भी केस कर सकते हो। तो इस वीडियो से हमें सीखने को मिलता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं वो एडमिसिबल होते हैं, और हमें हमेशा बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए, हो सके तो आप अगर आपके साथ कोई क्राइम होने वाला है या आपको लग रहा है कि आपके साथ कोई क्राइम हो रहा है तो आप बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का फ़ायदा उठाइए, उनको यूज़ कीजिए और एविडेंस बनाइए, वो कोर्ट में एडमिसिबल हैं और वो आपको काफ़ी जस्टिस दिलाने में हेल्पफुल होंगे। सो गो एंड मेक ऑडियो रिकॉर्डिंग एंड वीडियो रिकॉर्डिंग।